यूपी टीजीडी पीजीडी मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन डे नंबर 14 में थ्योरम चला है, मतलब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो लेबनीज थ्योरम पर डिपेंडिंग क्वेश्चन रहेंगे। और ठीक है, ये भी डिपेंड करता है nth डिफरेंशिएबल पर, और जो इसका फॉर्मूला है लेबनीज थ्योरम का वो होता है डी की पावर एन यू वी, यानी यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, एक यू दूसरा वी, इक्वल टू होता है यू डी की पावर एन वी प्लस का एन सी वन डी यू एंड डी की पावर एन माइनस वन वी प्लस एन सी टू डी स्क्वायर यू एंड डी की पावर एन माइनस टू इंटू वी प्लस डॉट 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 एन माइनस का टू वी डॉट डॉट एट इनफाइनाइट तक। बेहर एन सी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, जहाँ पे एन सी आर है। एन सी आर यानी कि एन सी वन हमको फाइंडिंग करना होगा। तो एन सी वन इक्वल टू होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एन माइनस का वन, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन वन होता है एन माइनस का वन, एन लिया कॉमन एन माइनस का वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन कैंसिल होकर एन आ जाएगा। ऐसी प्रकार से एन सी टू फाइंडिंग कर लेंगे, एन सी वन एन सी टू इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे। ठीक है, एन सी वन आ जाएगा एन सी टू आ जाएगा, तो इस तरह से ये टॉपिक्स आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मूला दो फंक्शन के डिफरेंशियल का एन टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी तक इससे पहले जो हुआ था दो फंक्शन का, एक फंक्शन का एन टाइम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हुए थे। अब लेबनीज़ थ्योरम में जो होते हैं वो दो फंक्शंस के होते हैं एन टाइम डिफरेंशिएशन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं डी की पावर एन एक्स की पावर थ्री ई की पावर फोर एक्स। ठीक है, एक्स की पावर थ्री ई की पावर फोर एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो एक्स की पावर थ्री है दूसरा है ई की पावर फोर एक्स। ठीक है, दो फंक्शन है, इनका एन टाइम डिफरेंशिएशन यानी कि nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डी की पावर एन फाइंड करना है, यानी कि इसका एन वर्ड डिफरेंशिएशन की वैल्यूज फाइंडिंग करना है। अब क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन को यू माना जाता है, एक को बी माना जाता है, एक यू दूसरा बी। यू वो फंक्शन माना जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन होने पर क्या हो जाए, वैल्यूज जल्दी ज़ीरो हो जाए। जैसे कि हम इसको यू मानते हैं क्योंकि ई की पावर को ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर बार बार वही आ जाएगा यानी कि वो कम नहीं होगा। जो क्वांटिटीज डिफरेंशिएशन होने पर कम हो जाता है, जैसे कि एक्स की पावर थ्री है, यू हम एक्स की पावर थ्री को मानेंगे, तो यहाँ पे है यू फिर डी यू डिफरेंशिएशन ऑफ यू यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर ऑफ यू थ्री एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स यानी कि सिक्स एक्स। आगे आएगा डी क्यूब ऑफ यू सिक्स इंटू वन हो जाएगा यानी कि सिक्स हो जाएगा एंड डी की पावर फोर इंटू यू इक्वल टू ज़ीरो कॉन्स्टेंट। यानी कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कम होता जाता है या आसानी से ज़ीरो हो जाता है उसको माना जाता है यू, और दूसरे वाले को मानते हैं बी। तो ये बात पॉइंट है ध्यान करने वाला कि किससे यू मानना है किसको बी मानना है। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं किसी को भी यू मान लिया किसी को बी मान लिया और वो क्वेश्चन एंड ही नहीं हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने मानना यू और इसको माना बी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी कि डी की पावर एन यू बी डी की पावर एन यू बी इक्वल टू यू डी की पावर एन बी प्लस का एन सी वन डी यू एंड डी की पावर एन माइनस वन बी डी की पावर एन माइनस डी की पावर एन माइनस वन बी प्लस का एन सी टू डी स्क्वायर यू एंड डी की एन माइनस का टू बी प्लस एन सी थ्री डी क्यूब यू एंड डी की एन माइनस का थ्री बी प्लस कहाँ पे जीरो हुआ फोर पे जीरो हुआ यानी डी की पावर फोर एन सी फोर डी की पावर फोर यू एंड डी की एन माइनस का फोर इंटू वी डॉट 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 आगे फंक्शन रहेगा। यहाँ पे जीरो हो गया डी की पावर फोर यू, तो उसके अगले वाले जो टर्म्स होंगे वहाँ पे भी वैल्यू ज़ीरो आती चली जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया है, ज़ीरो आ गया है। किस जगह पे ज़ीरो आया है, तो ज़ीरो आएगा यहाँ पे, इसके अगले जितने होंगे सब जीरो होंगे। यू माना है हमने एक्स की पावर थ्री को, एक्स की पावर थ्री डी की पावर एन बी यानी ई की पावर फोर एक्स, तो ई की पावर फोर एक्स का एन वर्ड डिफरेंशिएशन हमको फाइंड करना होगा एन सी वन डी यू डिफरेंशिएशन ऑफ यू यानी कि डी ऑफ यू है यानी कि एक्स क्यूब एंड डी की पावर एन माइनस का वन ई की पावर फोर एक्स प्लस का एन सी टू एंड डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब डी की एन माइनस टू ई की पावर फोर एक्स प्लस का एन सी थ्री
एन सी थ्री एंड डी क्यूब, यू है एक्स की पावर थ्री एंड डी की एन माइनस का थ्री ए की पावर फोर एक्स प्लस जीरो। अगले जितने भी टर्म्स होंगे आल ऑफ जीरो हो जाएंगे, यानी कि सब जीरो होते चले जाएंगे, आल ऑफ क्वान्टिटीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एन सी वन एक्स क्यूब डी की पावर एन ई की पावर फोर एक्स। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला होता है डी की पावर एन ई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एन ई की पावर एक्स, एन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, यानी कि डी की पावर एन ई की पावर फोर एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू फोर, फोर की पावर एन ई की पावर फोर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूस आया है वो है फोर की पावर एन ई की पावर फोर एक्स प्लस एन सी वन, अगर निकालते हैं तो एन सी वन आ जाएगा एन एंड डी ऑफ एक्स क्यू, डी ऑफ एक्स क्यू यानी कि ये था डी ऑफ एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर एंड डी की पावर एन माइनस वन ई की पावर फोर। तो अगर डी की पावर एन माइनस वन की बात किया जाए तो ये होगा फोर की पावर एन माइनस वन ई की पावर फोर एक्स, तो ये हो जाएगा फोर की पावर एन माइनस वन ई की पावर फोर एक्स प्लस एन सी टू की क्वान्टिटीज फाइंडिंग कर लेंगे। एन सी टू फैक्टोल एन, फैक्टोल टू, फैक्टोल एन माइनस टू, एन इंटू एन माइनस का वन, फैक्टोल टू टू इंटू वन, एन माइनस का टू, एन एन माइनस वन को मन निकालेंगे और ये होगा एन माइनस का टू, टू इंटू वन एंड फैक्टोल एन माइनस टू कैंसिल हुआ, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये हो जाए एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यू, ये हो जाएगा डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यू यानी कि सिक्स एक्स, सिक्स एक्स एंड डी की पावर एन माइनस टू, डी की पावर एन माइनस टू ई की पावर फोर एक्स इक्वल टू फोर की पावर एन माइनस टू ई की पावर फोर एक्स। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज़ आ जाएगी यहाँ पे फोर की पावर एन माइनस टू, फोर की पावर एन माइनस टू इंटू ई की पावर फोर एक्स। ऐसे एन सी थ्री की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे, एन सी थ्री हो जाएगा फैक्टोल एन, फैक्टोल थ्री, फैक्टोल एन माइनस का थ्री, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू और अपॉन फैक्टोल थ्री, थ्री इंटू टू इंटू वन और एन माइनस थ्री से एन माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा। तो एन सी थ्री आ जाएगा एन एन माइनस का वन एन माइनस का टू अपॉन सिक्स एंड डी क्यूब ऑफ एक्स क्यू, ये रहा डी क्यूब एक्स क्यू इक्वल टू आया सिक्स एंड डी की पावर थ्री एन माइनस थ्री, तो डी की पावर एन माइनस थ्री ई की पावर फोर एक्स, फोर की पावर एन माइनस थ्री ई की पावर फोर एक्स हो जाएगा। तो फोर की पावर एन माइनस का थ्री ई की पावर फोर एक्स प्लस जीरो, तो अगले टर्म सब जीरो हो जाएंगे। तो ये आ चुका है डी की पावर एन यू वी यानी एक्स क्यूब ई की पावर फोर एक्स, यहाँ से ये लाइन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आसान है, कोई खास ज़्यादा इसमें बड़ा काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी की पावर एन एक्स कोस टू एक्स, डी की पावर एन यानी कि अनथ डिफ्रेंशिएशन फाइंडिंग करना है एक्स कोस एक्स, दो फंक्शन है, एक को यू मान लेंगे दूसरे को बी, तो यू बी वाली फॉर्मूला यानी लिबनीज़ थ्योरम इसमें अप्लाई किया जाएगा। यू एक्स को मानेंगे बेटर रहेगा क्योंकि डी ओ यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू वन एंड डी स्क्वायर यू यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है, डी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो जो टर्म्स आसानी से जीरो हो जाता है या जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वैल्यूज कम हो रही होती है उसको यू माना जाता है। ठीक है, अप्लाई द लिबनीज़ थ्योरम, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा डी की पावर एन एक्स कोस टू एक्स, इसको यू माना इसको बी माना, तो यू डी की पावर एन बी प्लस का एन सी वन डी यू एंड डी की पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू डी स्क्वायर यू एंड डी की पावर एन माइनस टू बी प्लस डॉट डॉट, इस तरह से फंक्शंस आते चले जाएंगे। देखिएगा यू इक्वल टू है हमारा एक्स, डी की पावर एन बी यानी कि कॉस टू एक्स प्लस का एन सी वन डी यू यानी कि डी ऑफ एक्स प्लस का डी की पावर एन माइनस वन बी यानी कि कॉस टू एक्स प्लस का एन सी टू डी स्क्वायर ऑफ यू यानी कि डी स्क्वायर ऑफ एक्स है एक्स इंटू डी के पावर एन माइनस वन एन माइनस टू कोस टू एक्स प्लस डॉट डॉट।
ठीक है, एक्स डी डी की पावर एन कोस ट्विक्स, कोस ट्विक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एन एथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, ठीक है। तो वैसे ही कोस टू एक्स का हो जाएगा जैसे कोस एक्स का था, तो ये हो जाएगा कोस ए एक्स का था, अगर ए की पावर एन बनना था कोस ए एक्स प्लस का एन पाई बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा टू की पावर एन, ए की जगह टू है, कोस टू एक्स प्लस का एन पाई बाई टू प्लस का एन सी वन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स यानी कि वन हो गया, डी की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ भी हो जाएगा टू की पावर एन माइनस वन कोस टू एक्स प्लस एन माइनस का वन पाई बाई टू, ठीक है, एन माइनस वन पाई बाई टू। इसके आगे जो क्वांटिटीज आएगा वो हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो होने वाला है। तो ये बस इसको यहीं पर सोल्व कर लेंगे, कोस टू एक्स प्लस का एन पाई बाई टू प्लस का एन सी वन की वैल्यू एन होती है, एंड टू की पावर एन माइनस का वन कोस टू एक्स प्लस का एन माइनस का वन पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा डी की पावर एन एक्स कोस टू एक्स, डी की पावर एन एक्स कोस टू एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से आगे क्वेश्चन क्वेश्चन एक है अभी पी जी टी में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में आ चुका है एक बार और शायद टीजीटी में भी रिपीट हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजकीय इंटर कॉलेज में भी आ चुका है, यूपी पी सी एस लोअर 2008 में आ चुका है, पीजीटी 2010 में आ चुका है, पीजीटी 2010 में आ चुका है, ठीक है, यू पी जी डी राजकीय इंटर कॉलेज में, एंड पी जी टी के लिए आई एम पी है, आई एन इक्वल टू डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन लॉग एक्स, सो करना है सो दैट आई एन इक्वल टू एन आई एन माइनस का वन प्लस का फैक्टोरल एन माइनस वन, ठीक है, आई एन इक्वल टू एन आई एन माइनस वन प्लस फैक्टोरल एन माइनस वन, ये क्वान्टिटीज लाना है, फैक्टोरल एन माइनस वन है ये टोटल, ठीक है। सोल्यूशन लेते हैं इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करके रखने वाला है, डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन लोग एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आई एन माइनस वन होगा तो डी की पावर एन माइनस वन डी एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन लोग एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि आई एन इक्वल टू है डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन लोग एक्स। तो अगर इसको डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन किया जाए तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन लोग एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लिबनीज लगा सकते हैं या नहीं, लिबनीज नहीं है तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन लग जाएगा, यानी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन लग जाएगा पार्ट्स वाला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई एन निकाल रहे हैं डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो अगर डी की पावर एन माइनस वन और डी एक्स की पावर एन माइनस का वन एक्स की पावर एन लोग एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस लोग एक्स और एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो अगर डी की पावर एन माइनस वन बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस वन लोग एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स की पावर एन हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास वैसे भी दो फंक्शन अभी बने हुए हैं, तो आई एन इक्वल टू डी की पावर एन माइनस वन डी एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन में है, और दूसरा है डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन एन एक्स की पावर एन माइनस वन लोग एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन होना है एन टाइम्स, ठीक है, यानी कि इतने को हम लिख सकते हैं डी की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे एन बाहर कॉमन निकाला जा सकता है, और ये है डी की पावर एन माइनस का वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड लॉग एक्स, इसका एन माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, एन माइनस वन टाइम क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन आई एन।
न्यू बोर्ड है, रिपेयरिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा अभी 1 से 2 दिन। डी की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस का वन, इसको डी की पावर एन, देखिएगा एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, डी की पावर एन एक्स की पावर एन इक्वल टू फैक्टोर एन होगा, तो डी की पावर एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन फैक्टोर एन माइनस वन होगा, तो इसको हम फैक्टोरियल एन माइनस वन लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो टर्म्स चल रहा है एन, डी की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई एन माइनस वन, देखिएगा आई एन माइनस वन था, डी की पावर एन माइनस वन बट डी एक्स की पावर एन माइनस का वन, एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स, ठीक है, तो इसको आई एन माइनस वन को लिख सकते हैं डी की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस का वन इंटू लॉग एक्स, यही तो बना ये, ठीक है, तो ये हो गया है। अब आई एन इक्वल टू फैक्टोर एन माइनस का वन प्लस एन इंटू आई एन माइनस वन, ठीक है, आई एन इक्वल टू फैक्टोर एन माइनस वन प्लस एन इंटू आई एन माइनस वन, ठीक है, तो ये रिलेशन आ चुका है पीजीटी में और आने के चांसेस भी हैं, काफ़ी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसान सा रिलेशन है और तैयार करने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा सा रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है डी की पावर एन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ये फाइंड करना है, ठीक है, दो फंक्शन, एक एक्स स्क्वायर है एक टेन इनवर्स एक्स है, लिबनीज़ थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है, तो पहले वाले को यू मानेंगे, किसको यू मानने वाला है, यानी एक्स स्क्वायर को यू माना जाएगा, ताकि बेटर रहेगा, एक्स स्क्वायर को यू मानने से काफ़ी हद तक बेटर फील होगा, ये यू ये बी, तो देखिएगा डी ऑफ यू यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा, एंड डी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि टू इंटू वन यानी कि टू हो जाएगा, एंड डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा जीरो, ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डी की पावर एन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स यानी कि यू एक बी है, तो यू बी में फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बनेगा यू यानी कि एक्स स्क्वायर डी की पावर एन टेन इनवर्स एक्स प्लस का एन सी वन, और डी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी की पावर एन माइनस का वन, डी की पावर एन माइनस वन टेन इनवर्स एक्स प्लस एन सी टू, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी की पावर एन माइनस का टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एन सी थ्री, एन सी थ्री एंड डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर डी की पावर एन माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स, डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म्स हो जाएगा जीरो, यहाँ से जीरो आ जाने वाला है, तो इसके पहले वाले टर्म्स ओनली बचेंगे, तो ये तो लास्ट वाला हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर डी की पावर एन टेन इनवर्स एक्स, डी की पावर एन टेन इनवर्स एक्स, तो ये बनता है टेन इनवर्स एक्स का, हमने पिछले वीडियोस में एक रिलेशन की बनाया था, डी की पावर एन टेन इनवर्स एक्स का आया था, माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोर एन माइनस वन एंड साइन की पावर एन थीटा साइन एन थीटा, बेहद थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन पॉन एक्स, ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू बन जाता टेन इनवर्स वन पॉन एक्स, प्लस एन सी वन क्या हो जाएगा, एन हो जाता है ना, डी ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा, 2x इंटू माइनस वन की पावर n फैक्टोर n माइनस का वन साइन की पावर n थीटा एन साइन n थीटा प्लस एन सी टू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एक्स डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 एंड d की पावर n माइनस टू, एन माइनस टू टाइम्स, तो देखिएगा n n माइनस टू टाइम्स जब करेंगे तो यहाँ पे जो पावर्स था n माइनस, यहाँ पे n माइनस वन था तो यहाँ पे n माइनस टू होना था, और फैक्टोरियल भी n माइनस टू हो जाएगा, और साइन की पावर n माइनस का वन और साइन n माइनस वन थीटा, ठीक है, अब बात आती है इस वाले में n माइनस टू वाले में, तो n माइनस टू में हो जाएगा माइनस वन की पावर n माइनस का थ्री फैक्टोर n माइनस का थ्री एंड साइन की पावर n माइनस टू थीटा एंड साइन n माइनस का टू थीटा, तो इस तरह से रिलेशंस हो पाएगा, यानी कि t की पावर n एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, आगे कुछ जैसे पावर्स वाले टर्म्स को हमें निकाले जा सकते हैं, या फैक्टोरियल या फैक्टोरियल्स में कुछ को हमें निकाला जा सकता है। तो इस तरह से ये वाले टर्म्स को हमें निकाल के क्वांटिटीज में रिलेशन बनाया जा सकता है।